रहेंगे। नून लीग का बुरा वक्त अगर हम कहें कि पनामा से शुरू हुआ तो गलत नहीं हुआ, और ये ऐसा बुरा वक्त शुरू हुआ कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज ये सूरत हाल है कि जोक दर जोक हम देख रहे हैं कि लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, नून लीग को छोड़ रहे हैं, वजह चाहे जो भी बयान कर रहे हों। क्या ये हम मान लें कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसके हाथ से पंजाब तो निकल गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गैब का इलम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन बज़ाहर जो सियासी सूरत हाल नज़र आ रही है, मुझे तो लगता है नून लीग किस्सा माजी बनती जा रही है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जिस तरह जोग दर जोग दर्जनों की सूरत में पार्टी छोड़ रहे हैं, उसकी वजूहत बहुत सारी हैं। देखिए, जनूबी पंजाब का मुतालबा, एक ज़िले का सूबे का मुतालबा 1970 से चला आ रहा है, कोई पहली दफ़ा नहीं है। जब एक मुल्क का वज़ीर आज़म एक ख़ानदान वज़ारत उज़्मा भी घर रखे, वज़ारत आला भी रखे, और अपने मिनिस्टरों को तीन तीन माह ना मिले, उन्हें सहूलतें ना दे, एक बंदा डेरा गाजी हाँ रहीमियर हाँ से चलता है और लाहौर में आता है और इधर ये जो सेक्रेटरीट है वो चीफ सेक्रेटरी मौजूदा ने इंडियन एम्बेसी बना दिया हुआ, इधर आम आदमी जा नहीं सकता, तो क्या उधर के रहने वाले लोगों के बुनियादी हकूक नहीं है आइन में? आइन की शिकवे पहले 8 से लेकर 50 तक आवाम के लिए है। क्या उनको तालीम, सेहत, इंसाफ, सड़कें बनाना, स्कूल बनाना उनके लिए नहीं है? जब आप मुल्क का 70% सूबे का पैसा एक लाहौर शहर में लगा देंगे, मुल्क की 50% आबादी पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान की पंजाब है, तो भाई अगर 2-3 बनाने से सूबे लोगों को बुनियादी हकूक उनकी दलील पर मिलेंगे तो नुकसान क्या है? मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को एक तो पनामा से शुरू हुआ, नवाज शरीफ की नहली पर धचका लगा, और तकरीबन अब आज जो किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस 8 की बजाय 18 लोगों ने की थी, फिर इन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई जो मुस्लिम लीग नून छोड़ रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम लीग नून को छोड़ेंगे। इतला तो ये है कि सेंट्रल पंजाब की तरफ से भी 15 MNA मुस्लिम लीग नून छोड़ने के लिए दीगर जमातों से रवाबते में है, और मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून एक छोटी जमात बन के रह जाएगी।